Hello friends, in this topic we discuss about antigens. What is an antigen? Any structure from outside the body like bacteria, virus, parasite or fungus is a threat to the body. And our immune system mounts an immune response against any such foreign bodies that enter the human body. And any such foreign body which initiates an immune response is called an immunogen. एंड इम्यूनोजन हैज़ वेरियस कॉम्पोनेंट्स, उसके अलग अलग पोर्शंस होते हैं और उसमें जो पोर्शंस होते हैं वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, तो वो सारे पोर्शंस इम्यूनोजन के उन सबको एंटीजन्स बोलते हैं। और ये एंटीजन्स जो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस करते हैं, जो एंटीबॉडी बनते हैं इन एंटीजन्स के अगेंस्ट, वो इनसे बाइंड करते हैं, इनसे रिएक्ट करते हैं। यानी कि वॉट इज़ एन इम्यूनोजन? Any foreign body which initiates an immune response is an immunogen. Various components of the immunogen are known as antigens, and these antigens will induce formation of antibodies in the human body, and these antibodies will react with their corresponding antigens. Antigen generally protein होते हैं और sometimes polysaccharide भी होते हैं, और वो जब body में आते हैं तो फिर body में उसके against reaction होता है, और वो रिएक्शन में वो बी सेल्स, टी सेल एक्टिवेशन, मैक्रोफेज एक्टिवेशन, सब मल्टीपल इम्यून मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन होता है और वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोसेसेस चालू हो जाते हैं। तो जब भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है एंटीजन से, तो वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से रिएक्ट करेगा और अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज़ टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन। ठीक है, तो द एंटायर प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इंटू टू स्टेप्स: स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी एंड रिएक्शन विद द एंटीबॉडी। यानी कि एंटीजन एक तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस करेगा और दूसरा उस फॉर्म करे हुए एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा। ये दो स्टेप्स होती है। अब इसके बेसिस पे एंटीजन्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक कंप्लीट एंटीजन और एक इनकम्प्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन मतलब वो जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस भी करता है और सो फॉर्म्ड एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करता है, यानी कि कंप्लीट दोनों प्रोसेसेस वो इंक्लूड करता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंटीजन। और इनकम्प्लीट एंटीजन वो होता है जो इंड्यूस तो नहीं कर सकता एंटीबॉडी फॉर्मेशन, मगर अगर एंटीबॉडी बन जाता है तो उससे वो रिएक्ट कर सकता है, यानी कि वो दोनों में से कोई एक फंक्शन ही कर पाता है, सेकंड फंक्शन, दैट इज़ रिएक्टिंग विद द एंटीबॉडी फॉर्म। तो इनकम्प्लीट एंटीजन को हैप्टन भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन्स आर नोन एज हैप्टन्स। और उसको अगर कंप्लीट एंटीजन में कन्वर्ट करना है, यानी कि वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस भी करे और एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करे, ऐसे दोनों फंक्शन उससे अगर करवाने हैं, तो उसको कैरियर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कैरियर मॉलिक्यूल अटैच करते हैं तो वो कैरियर इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन, यानी कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टिमुलेशन का काम करवाएगा, और जो एंटीबॉडी बनेंगे उससे फिर ये हैप्टन कंबाइन करेगा। यानी टू कन्वर्ट अ हैप्टन इंटू ए कम्प्लीट एंटीजन यू विल ऐड ए कैरियर मोलिक्यूल टू इट। यानी हैप्टन प्लस कैरियर इज इक्वल टू कम्प्लीट एंटीजन। देखो, दो टाइप के एंटीजन हैं, कम्प्लीट एंटीजन और इनकम्प्लीट एंटीजन। कम्प्लीट एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस भी करेगा और एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करेगा, और इनकम्प्लीट एंटीजन सिर्फ रिएक्ट करता है, वो फॉर्मेशन इंड्यूस नहीं करता। लेकिन जब इनकम्प्लीट एंटीजन को कैरियर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर वो कंप्लीट एंटीजन बन जाता है और फिर वो दोनों प्रोसेस करता है, एंटीबॉडी फॉर्मिंग इंड्यूस करने का और एंटीबॉडी से रिएक्ट करने का, राइट? और उस इनकम्प्लीट एंटीजन को बोलते हैं हैप्टन, और जिस मॉलिक्यूल से उसको कनेक्ट करते हैं कंप्लीट एंटीजन बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कैरियर मॉलिक्यूल। हैप्टन्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कॉम्प्लेक्स हैप्टन्स और सिंपल हैप्टन्स। हैप्टन्स लो मोलिकुलर वेट लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जनरली, और कैरियर मोलिक्यूल क्या होता है? तो कैरियर मोलिक्यूल कोई प्रोटीन मोलिक्यूल होता है जो, जिससे अगर हैप्टन को बाइंड कर दो तो फिर वो हाईली इम्यूनोजेनिक हो जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा आता है। कॉम्प्लेक्स हैप्टन और सिंपल हैप्टन में क्या फ़र्क होता है? कॉम्प्लेक्स हैप्टन बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और वो पॉलीवेलेंट होते हैं। पॉलीवेलेंट मतलब मल्टीपल वैलेंसी है, मतलब मल्टीपल टाइप के उसमें बाइंडिंग साइट्स हैं, यानी कि जो मल्टीपल टाइप के एंटीबॉडीज से बाइंड कर सकता है, और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से कंबाइन करके विजिबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, एग्जाम्पल कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड ऑफ न्यूमोकोकस। और सिंपल हैप्टन्स कैसे होते हैं? सिंपल हैप्टन छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो मोनोवेलेंट होते हैं, एक ही वैलेंसी होती है,
और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से बाइंड तो करते हैं लेकिन वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इंटरफियर करते हैं। एग्जाम्पल ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन। आपने देखा व्हाट इज़ एंटीजन, व्हाट इज़ इम्यूनोजन, व्हाट इज़ एंटीबॉडी। आपने ये भी देखा व्हाट इज़ कम्प्लीट एंटीजन, व्हाट इज़ इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन मतलब हेप्टन, और उसके साथ कैरियर मॉलिक्यूल अटैच कर दो तो फिर वो कम्प्लीट एंटीजन हो जाता है और रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अब एपिटोप क्या है और पैराटोप क्या है ये अपन देखते हैं। टू अंडरस्टैंड एपिटोप एंड पैराटोप, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि लॉक और की होता है, तो समझो लॉक इज़ दी एंटीजन एंड समझो की इज़ दी एंटीबॉडी, ठीक है। तो अब जब ये लॉक और की का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन आपस में कंबाइन करता है, यानी कि की का जो आगे का पोर्शन है जो लॉक के अंदर जाता है, और लॉक का वो एरिया जहाँ पे ये की का पोर्शन जाता है, ये दोनों आपस में जब बाइंड करते हैं तब वो लॉक खुलता है की से, बराबर। तो पूरा के पूरा लॉक पूरी के पूरी की से बाइंड नहीं करता, एक थोड़ा पोर्शन लॉक का और थोड़ा पोर्शन की का वो दोनों आपस में बाइंड करते हैं। वैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी भी आपस में पूरे के पूरे रिएक्ट नहीं करते। एंटीजन का कोई पर्टिकुलर पोर्शन होता है और एंटीबॉडी का भी कोई पर्टिकुलर पोर्शन होता है, वो दोनों पोर्शन जब कंबाइन होते हैं तो वो बाइंडिंग होता है। तो एंटीजन का वो पोर्शन जो बाइंड करता है उसको बोलते हैं एपिटोप, और एंटीबॉडी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शन होता है बाइंडिंग एरिया उसको बोलते हैं पैराटोप। तो व्हेन एपिटोप बाइंड्स विद द पैराटोप एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। एंड व्हाट इज एपिटोप, इट इज़ द बाइंडिंग साइट ऑन द एंटीजन। एंड व्हाट इज पैराटोप, इट इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडिंग साइट ऑन द एंटीबॉडी। एपिटोप भी दो टाइप के होते हैं, लीनियर और सिक्वेंशियल एपिटोप और कन्फर्मेशनल एपिटोप। जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल एपिटोप होता है लीनियर स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं लीनियर और सिक्वेंशियल एपिटोप। और जो थ्री डायमेंशनल एपिटोप्स होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले एपिटोप्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले बाइंडिंग साइट्स, तो उनको बोलते हैं कन्फर्मेशनल एपिटोप्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एपिटोप्स, लीनियर एंड कन्फर्मेशनल। अब वैलेंसी मतलब क्या, तो वैलेंसी मतलब ये कि समझो एक पर्टिकुलर एंटीजन है, उस एंटीजन के ऊपर पांच एपिटोप्स हैं, यानी कि पांच बाइंडिंग साइट्स हैं, लेकिन वो एंटीजन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और वो पांच में से तीन बाइंडिंग साइट्स बाहर की तरफ हैं जो दिखते हैं और दो बाइंडिंग साइट्स अंदर हिडन है। तो जब वो एंटीजन रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी से तो वो जो अंदर के जो दो हिडन बाइंडिंग साइट्स हैं वो बाइंड नहीं कर पाएंगे, बाहर के जो तीन हैं वो बाइंड कर पाएंगे। तो ये जो टोटल फाइव साइट्स है वो उसकी टोटल वैलेंसी हुई, और उस टोटल वैलेंसी में से बाहर के जो तीन साइट्स हैं जो बाइंड कर पाएंगे उनको बोलेंगे फंक्शनल वैलेंसी, और अंदर के दो वो नॉन फंक्शनल वैलेंसी। अब अंदर के जो दो नॉन फंक्शनल है उसको फंक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। अगर उस एंटीजन को आप ब्रेक डाउन करो तो ब्रेक डाउन करने से वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अंदर जो हिडन पोर्शंस थे, हिडन बाइंडिंग साइट थे, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे बाहर की तरफ और वो नॉन फंक्शनल वैलेंसीज फिर फंक्शनल में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। सो टोटल वैलेंसी इज़ टोटल बाइंडिंग साइट्स, और उसमें फंक्शनल वैलेंसी इज़ उनमें से जितने भी बाइंडिंग साइट्स एक्चुअल में बाइंड कर सकती है वो है फंक्शनल वैलेंसी। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटीजेनिसिटी, तो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन द एंटीजेनिसिटी ऑफ अ मोलिक्यूल, उसका साइज, केमिकल नेचर, ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम्स, फॉरेननेस, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, आइजो स्पेसिफिसिटी, ऑटो स्पेसिफिसिटी, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी और हेट्रोजेनिक स्पेसिफिसिटी। साइज में लार्जर मोलिक्यूल्स आर मोर एंटीजेनिक एंड स्मॉलर मोलिक्यूल्स आर लेस एंटीजेनिक। अगर किसी स्मॉल मोलिक्यूल को किसी कैरियर मोलिक्यूल से अटैच कर दें तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी और वो लार्जर मोलिक्यूल फिर मोर एंटीजेनिक हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लेटेक्स या आरबीसी या बेंटोनाइट या केओलिन जैसे कोई सब्सटेंस से अगर किसी एंटीजन को अटैच कर दो तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी और वो मोर इम्यूनोजेनिक हो जाएगा। केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन, प्रोटीन ज़्यादा एंटीजेनिक होते हैं, पॉलीसेकेराइड कम, और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड तो और भी कम एंटीजेनिक होते हैं, यानी कि मैक्सिमम एंटीजेनिसिटी प्रोटीन्स में होती है। तो अगर किसी एंटीजन को आपको उसकी एंटीजेनिसिटी बढ़ानी है तो आप उसको किसी प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल से अटैच कर दो तो फिर उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और इम्यून सिस्टम ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा।
तो प्रोटीन्स आर हाईली एंटीजेनिक एंड पॉलीसेक्राइड्स आर लेस एंटीजेनिक। तो किसी पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होगी कोई बैक्टीरिया की, उस पॉलीसेक्राइड कैप्सूल को अगर आप किसी प्रोटीन कैरियर से अटैच कर दोगे तो वो ज़्यादा एंटीजेनिक हो जाएगा और इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट बेटर होगा। ससेप्टिबिलिटी टिश्यू एंजाइम्स, तो जो भी एंटीजेंस यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स ससेप्टिबल हैं सब्सटेंसेस टिश्यू एंजाइम्स को, वो टिश्यू एंजाइम उनको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर उसमें से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स निकलेंगे और वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के ऊपर छोटे छोटे बाइंडिंग साइट्स होंगे जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सकते हैं, यानी कि एपिटोप्स होंगे। तो जो भी सब्सटेंसेस टिश्यू एंजाइम ब्रेक डाउन कर सकती है वो सब्सटेंस आर एंटीजेनिक, और जो सब्सटेंसेस को टिश्यू एंजाइम ब्रेक नहीं कर सकते वो सब्सटेंस एज इट इज़ रहेंगे और एज इट इज़ बॉडी में से निकल जाएंगे, दे विल नॉट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि लेटेक्स है वो टिश्यू एंजाइम को ससेप्टिबल नहीं है तो वो इनर्ट रहता है, उसके अगेंस्ट बॉडी कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता। फॉरेननेस, जितना फॉरेन होगा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, और जितना सेल्फ मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होगा उतना इम्यून सिस्टम उसको अपना समझेगा और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स और मंकीस में कुछ एंटीजन्स कॉमन हो सकते हैं, तो मंकीज से कुछ एंटीजन को ह्यूमन इम्यून सिस्टम अपना समझेगा और रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करेगा, पर ह्यूमन और माइस में डिस्टेंट कनेक्शन है तो माइस के कुछ एंटीजन्स होंगे उनके अगेंस्ट ह्यूमन बींग में रिस्पॉन्स आएगा। तो जितना ज़्यादा फॉरेननेस है उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी मतलब हर एक एंटीजन की अपनी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंटीजन के वो अलग अलग पोजीशन में अटैच होते हैं, जैसे ऑर्थोमेटा और पैरा पोजीशन में ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले, फिर कुछ आइसोमर्स होते हैं डेक्स्ट्रो आइसोमर लेवो आइसोमर और मेजो आइसोमर, तो सभी आइसोमर का एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका शेप अलग अलग होता है, किसी में एच इस तरफ अटैच है किसी में एच उस तरफ अटैच है, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चरल वेरिएशन होते हैं। तो भले वो सेम मॉलिक्यूल है लेकिन उसके अलग अलग स्ट्रक्चर का इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग आएगा। इट इज़ पॉसिबल कि किसी मॉलिक्यूल का डेक्स्ट्रो आइसोमर हाईली एंटीजेनिक हो, लिवो आइसोमर नॉन एंटीजेनिक हो और मेजो आइसोमर मीडियम एंटीजेनिक हो, यानी कि देर कैन बी डिफरेंट रिएक्शंस टू डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। स्पीसी स्पेसिफिसिटी, स्पीसी स्पेसिफिसिटी मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज में वो स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं। से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में कोई एंटीजन ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स में सब में कॉमन है, वी आर स्पीसी स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज। वैसे ही मंकीज है, डोंकीज है, हॉर्सेस है, अलग अलग स्पीसीज हैं, सभी स्पीसीज में within the species there will be some antigens which are common to all the members, they are known as species specific antigen। और related species होंगे तो उसके antigens भी immune system थोड़ा self जैसा identify करेगा, पर हर एक species में कुछ antigen तो ऐसे होते ही हैं जो उस species के सभी members में होते हैं common to all the members, और जो दूसरी species में नहीं होते ऐसे antigens को बोलते हैं species specific antigen। आइजो स्पेसिफिसिटी, आइजो स्पेसिफिसिटी मतलब देर आर सम एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट इन सम मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज नॉट इन ऑल द मेंबर्स। एग्जांपल ए बी ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप में जो ओ एंटीजन है, ठीक है, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो ये कुछ लोगों में ए प्लस ब्लड ग्रुप होता है, कुछ लोगों में बी प्लस ब्लड ग्रुप होता है, कुछ लोगों में ओ प्लस ब्लड ग्रुप होता है, ऐसे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स बन गए ए बी ओ सिस्टम में से। तो दीज एंटीजन्स आर कॉल्ड आइजो एंटीजन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सम मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज बट नॉट इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज। सच एंटीजन्स आर एग्जांपल ऑफ आइजो एंटीजन्स। वैसे ही जो आरएच एंटीजन है, आरएच प्लस और आरएच माइनस, तो कुछ लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग आरएच नेगेटिव होते हैं, तो आरएच एंटीजन इज ऑल्सो एन आइजो एंटीजन एंड ए बी ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर ऑल्सो आइजो एंटीजेंस। ऑटो स्पेसिफिसिटी, ऑटो स्पेसिफिसिटी मतलब एवरी इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइज इट्स ओन टिश्यूज एज इट्स सेल्फ,
एंड इट डज़ नॉट माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स सेल्फ एंटीजन्स। तो वो इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये मेरा खुद का एंटीजन है तो वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करेगा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लेंस का प्रोटीन है और टेस्टिकुलर टिश्यूज़ है, ये दोनों इम्यून सिस्टम को कभी एक्सपोज नहीं हुए, दे आर फॉर्म लेटर ऑन एंड द इम्यून सिस्टम डिड नॉट आइडेंटिफाई देम। सो फॉर इम्यून सिस्टम दिस लेंस प्रोटीन्स एंड टेस्टिकुलर टिश्यू आर फॉरेन बिकॉज इट हैज़ नेवर सीन देम। तो जब कभी ट्रॉमा हो और ट्रॉमा की वजह से लेंस प्रोटीन सर्कुलेशन में आ जाए या टेस्टिकुलर टिश्यू सर्कुलेशन में आ जाए तो इम्यून सिस्टम के सेल्स उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करेगा और वो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से वो टिश्यू डैमेज हो जाएगा। तो भले वो सेल्फ एंटीजन है लेकिन क्योंकि इम्यून सिस्टम ने उसको कभी देखा नहीं, इसीलिए इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेगा अगर एक्सपोजर होगा तो। तो सच एंटीजन्स आर कॉल्ड सिक्वेस्टर्ड एंटीजन्स और हिडन एंटीजन्स। ठीक है, वो जब तक हिडन एंटीजन्स हिडन रहते हैं तब तक ठीक है, अगर वो इम्यून सिस्टम को एक्सपोज होते हैं तो फिर उसका रिस्क होता है। फिर ऑर्गन स्पेसिफिसिटी, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी मतलब देर आर सम एंटीजन्स विच आर स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर ऑर्गन्स एंड दे कैन बी प्रेजेंट इन मल्टीपल स्पीसीज इन द सेम ऑर्गन। से फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्रेन और शीप ब्रेन में कुछ एंटीजन्स कॉमन है, इसलिए जब रेबीज़ की वैक्सीन शीप ब्रेन में बनाते हैं और फिर ह्यूमन बींग को देते हैं एज ए वैक्सीन, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम कुछ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर सकता है उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो शीप ब्रेन एंटीजन उसके लिए फॉरेन है, लेकिन वो शीप ब्रेन एंटीजन के अगेंस्ट जो रिएक्शन माउंट करता है उसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन में भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से पर्सन को नर्वस सिस्टम में डैमेज हो सकता है। तो ऐसे एंटीजन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ही हैं, यानी कि वो ब्रेन स्पेसिफिक एंटीजन्स हैं, ब्रेन स्पेसिफिक एंटीजन्स आर एग्जांपल ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक एंटीजन्स। तो वो ह्यूमन और शीप ब्रेन में कॉमन एंटीजन्स होते हैं और दे आर एग्जांपल ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक एंटीजन्स। हेटरोजेनिक स्पेसिफिसिटी, हेटरोजेनिक स्पेसिफिसिटी मतलब कुछ एंटीजन ऐसे हैं जो रैंडमली वर्ल्ड में कहीं कोई स्पीसीज में, कहीं कोई स्पीसीज में, ऐसे मल्टीपल स्पीसीज में एक ही टाइप का एंटीजन हो, ऐसा हो सकता है। यानी कि सेम एंटीजन इज़ फाउंड इन सम प्लांट्स, इट इज़ सेम इज़ फाउंड इन सम एनिमल्स, इन सम इंसेक्ट और इन सम बर्ड्स, एनी क्रीचर। सच एंटीजन विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, जो रिलेटेड स्पीसीज नहीं हो उसमें भी वो हो सकते हैं, और ऐसे एंटीजन्स को बोलते हैं हेटरोजेनिक एंटीजन्स, हेटरोफिल एंटीजन्स, जिनमें आपस में स्पीसीज में कोई कनेक्शन नहीं होगा, टैक्सोनॉमिकल कनेक्शन नहीं होगा, पर उनके बीच में कुछ एंटीजन होगा जो कॉमन होगा, ऐसे एंटीजन्स को बोलते हैं हेटरोफिल एंटीजन्स। उसके एग्जांपल में आता है एक फोर्समैन एंटीजन। फोर्समैन एंटीजन इज़ एन एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट इन मल्टीपल स्पीसीज इन द वर्ल्ड, इन डिफरेंट एनिमल्स, इन डिफरेंट बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, इन डिफरेंट मैमल्स, और दिस फोर्समैन एंटीजन इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेटरोफिल एंटीजन। अब फोर्समैन एंटीजन की खासियत क्या है? तो फोर्समैन एंटीजन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज एक्सेप्ट रैबिट्स, रैबिट्स में ये एंटीजन नहीं होता। तो समझो आपको फोर्समैन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने हैं, तो फिर आप रैबिट्स में इस एंटीजन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। सो टू प्रिपेयर एंटीबॉडी अगेंस्ट द फोर्समैन एंटीजन, यू विल इंजेक्ट द फोर्समैन एंटीजन इन द रैबिट्स बिकॉज रैबिट डज नॉट हैव दिस एंटीजन, और सो रैबिट का इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन समझेगा और फॉरेन समझ के उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। वेलफेलिक्स रिएक्शन, वेलफेलिक्स रिएक्शन मतलब ये हेटरोफिल एंटीजन जो होते हैं उसके बेसिस पे कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट डिवाइस करे गए हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के डायग्नोसिस के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म में से वो एंटीजन लेते हैं और सीरोलॉजिकल टेस्ट बनाते हैं बिकॉज दैट एंटीजन इज़ कॉमन टू बोथ द स्पीसीज। एग्जाम्पल वेलफेलिक्स रिएक्शन, तो वेलफेलिक्स रिएक्शन में ऐसा होता है कि रिकेट्सिया और प्रोटियस के कुछ एंटीजन्स कॉमन है, तो रिकेट्सियल डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए प्रोटियस में से वो एंटीजन अगर निकालो और रिएजेंट बनाओ और वो रिएजेंट अगर ह्यूमन ब्लड के साथ रिएक्ट करवाएं, तो ह्यूमन में अगर रिकेट्सिया के एंटीबॉडी होंगे
तो वो उस एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि इसमें फ़र्क ये है कि एंटीजन रिकेट्सिया का नहीं लिया, प्रोटियस का लिया। हालांकि वो एंटीजन प्रोटियस का जो लिया वो रिकेट्सिया में भी है, वैसा वाला एंटीजन लिया, हेट्रोफिल एंटीजन लिया, बराबर। तो ऐसा एग्जुटिनेशन टेस्ट, वो उसमें डायग्नोसिस होगा रिकेट्सियल डिजीज़ का ही, डिजीज़ तो रिकेट्सियल डायग्नोस होगी, लेकिन एंटीजन प्रोटियस में से लिया, शेयरिंग है, कॉमन एंटीजन है इसलिए। तो ऐसे सीरोलॉजिकल रिएक्शन को बोलते हैं हेट्रोफिल एग्लुटिनेशन टेस्ट, विल फिलिक्स टेस्ट और विल फिलिक्स रिएक्शन इज अ हेट्रोफिल एग्लुटिनेशन टेस्ट। दैट कंप्लीट्स एंटीजन्स। थैंक यू।